किसान को बैठो है पिसा कौन लगा सके, और मुकेश भाकर रहा की टीम की छाप लागेड़ी है की वजह टिकट काट ले हो, तो दया पर राजनीति कौन करा, जब तक जोर हुई टांगड़ा जती राजनीति करा। राजस्थान में हुए छात्र संघ चुनावों में NSUI की हार के बाद कांग्रेस में नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। अब इस कड़ी में सचिन पायलट के खेमे के विधायक मुकेश भाकर ने इशारों में CM अशोक गहलोत खेमे को निशाने पर लिया। दरअसल मुकेश भाकर ने लाडनू स्थित अपने फार्म हाउस पर निर्मल चौधरी का स्वागत समारोह रखा था। इस दौरान मुकेश भाकर ने गहलोत खेमे पर जमकर प्रहार किया। भाकर ने कहा कि किसान का बेटा होने के कारण निर्मल चौधरी का टिकट काट लिया गया, किसी की दया पर राजनीति नहीं करते, जितना पैरों में दम है उतनी राजनीति करते हैं। चलो निर्मल बार भी कर आयो के बाद हमेशा छोटा भाई की जी हम आगे सागरी हो, परिवार में आपस में टावरा का झगड़ो भी हुए, प्यार भी रहे हुए, सब तरह की बात आई। और जब मैं MLA लड़ रहे हो तो 3 पंचायत में वो खुद एक एक घर घर जा बिठुड़ा साम्राज देता हुआ खुद मेहनत करी। बी के बाद जब MP चुनाव आया बी टाइम दोबारा ठहरी हो, और बी के बाद पंचायत समिति का चुनाव कतो चुनाव हुए पंचायत को बी के माए वापस आ जखी पंचायत में ड्यूटी बटा आपकी ड्यूटी थी। और मैं जब यूथ कांग्रेस को चुनाव लड़ रहे हो बी टाइम आपकी यूनिवर्सिटी घर परिवार छोड़ और बाड़मेर जैसलमेर हो बैठो, तो आज यदि के चुनाव लड़ने की बारी आई बी टाइम सिर्फ की मुकेश भाकर को ठप्पो लागे डो अरे की टिकट काट लिया, तो दया पर कदी राजनीति कौन करा, कोई का टिकट और सुना कदी राजनीति करा भाई, सब बात का सर्वे कराओ, सब चीज है थाकन, लेकिन सिर्फ के किसान को बैठो है पिसा कौन लगा सके, और मुकेश भाकर रहा की टीम की छाप लागेड़ी है ई वजह टिकट काट ले हो, तो दया पर राजनीति कौन करा, जब तक जोर हुई टांगड़ा में जती राजनीति करा, मैं घर बैठ जाऊं के 5 साल विधायक रहवा के आगे नहीं रहवा जे कोई परिस्थिति बने, और पूरा प्रयास कर। और आज तक निर्मल ने धन्यवाद देना चाहूं मैं कि मैं 2005 में जब जयपुर गयो बीव ले आज 2022 है, कम से कम 100 भाजपा नेता की मदद करी उली लीडर बनाया होला, लेकिन जब टाइम आयो ना सब पीठ दिखाई गया, तो हर कोई अतो श्रेय देवे कोनी इकी नियत साफ है सच्चो आदमी ई वजह होता वोट जीत रहे हो। मैं अति बात के लिए कहना चाहूँ हमेशा छोटा भाई की जिया रियो, और आगे भी इन लाडनू को विशेष प्रेम रियो, आपको पिछला चुनाव हर चुनाव में आपकी ड्यूटी ठहर दियो, और आज खटई चुनाव में कोई कह वो जिता दियो वो जिता दियो, खुद की मेहनत जीत रहे हो, और आबाला टाइम में जब कदे भी, और मैं की सब बड़ी बात को कायली बात कहूं कि जब जीत बारे निकलियो तो लोग कोई ने थ्रे देवे कोई ने क्यों कह, जब आपकी जीत ने किसानन समर्पित करी जगह शहीद हुआ किसान आंदोलन में, और पूरा देश भी बारे निकलो जब देख रहे भी, तो बिन आपकी जीत ने किसानन जगह समर्पित करी भी के लिए प्रत्येक किसान परिवार 36 कौम का लोग इन देख रहे के बारे निकल निर्मल का ही बोली, और माने जो को श्रेय दे वो तो झूठो ही दे, खुद की मेहनत ही की, और सिर्फ अतो कि भाई जब पूछोगे कि निर्मल चुनाव तो मैं पहली क्यों साहब चुनाव वो लड़े लो टिकट दे तो लड़ी नहीं दे तो लड़ी मारे बस में रह लो को नहीं, और काल ने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली तो किन बिठावा थे आसो, और पूरी ताकत हूँ आगलो चुनाव लड़े और खुद जीत रहे, और आज इन आगोर में छात्र राजनीति निकले ना जता लोग हम एक नए नाम निर्मल को शामिल हुए। आपको बता दें कि मुकेश भाकर नागौर जिले की लाडनू विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक हैं। भाकर यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष का चुनाव भी जीते थे। जुलाई 2020 में पायलट खेमे की बगावत के समय उन्हें यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के पद से बर्खास्त कर दिया गया था। निर्मल चौधरी की जीत के पीछे भाकर का एक बड़ा हाथ है। निर्मल की जीत के साथ ही नागौर की राजनीति में भाकर का कद कहीं ना कहीं बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट राजस्थान तक।